रोज का नाटक है। कौन है वो? वहां देख। इतना हैंडसम तो है, लव करने का ना? अरे अच्छा दिखा तो लव शुरू कर देने का क्या? मुझे ये सब पसंद नहीं है, चल चलते हैं। ए, देखो वो गया। ए, वो कहाँ चला जाएगा? जितनी स्पीड में गया है उतनी स्पीड में वापस आएगा। आएगा क्या? आ गया यार। मैंने बोला था ना। एक्सक्यूज मी, इतनी धूप में आप पैदल चलकर जाएंगे? मैं ड्रॉप कर देता हूँ। क्यों लव है क्या? हम भले ही धूप में चले या फिर छाव में, तुम्हें इससे क्या? हर दिन नया बाइक, हर दिन नया कार लाकर दिखाते रहते हो, ज्यादा इम्प्रेस मत करो। हाँ ये सब करने से कुछ भी नहीं होगा, जितना भी ट्राई कर लो तुम्हें वो सब कुछ नहीं मिलने वाला। अरे बाप रे, मैं तो फिदाई हो गई हूँ यार। ए डियर, किसके लिए ट्राई करने का है, किसके लिए ट्राई नहीं करने का है, ये संजय अच्छे से जानता है। इतने दिन से ट्राई मैं तुझे नहीं, इसे इम्प्रेस करने के लिए किया। बाय। ಡ್ರಾಪು ಕೇಳ್ತಾಳಂತ ಹತ್ತಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೇವ್ರೇ ಗತಿ, ಲಡ್ಡು ಬಂದು ಬಾಯಿಗೆ ಬಿತ್ತು ಅಂದುಕೊಂಡ್ರೆ ದೇವ್ರೇ ಗತಿ, ಹುಡುಗಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಚಂದ್ರ ಜಾಲ, ಮೈಯ ಮಾಟ ಮಾಯ ಜಾಲ, ಹೆಗಣ್ಣ ಅಂಶು ಖಡ್ಗ ಕಂಡ್ರೆ ಅದರ ಏಟ್ಗ ಹೃದಯ ಸಿಕ್ರೆ ದೇವ್ರೇ ಗತಿ, ದೇವ್ರೇ ಗತಿ। ಪೆಪರ್ಮೆಂಟು ಹೊಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸೆಂಟು ಕಮ್ಮನ್ನು ತೈತೆ, ಅಲ್ಲೇ ಕಮ್ಮನ್ನು ತೈತೆ, ಲಿಪ್ಪಿಗಿಷ್ಟು ಪೆಂಟು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಚುಮ್ಮನ್ನು ತೈತೆ, ಒಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚುಮ್ಮನ್ನು ತೈತೆ, ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಂಬ ನೋಡಿ ಆಯ ತಪ್ಪಿ ಹಳ್ಳಕ್ ಬಿದ್ರೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಹುಡುಗ ಫುಲ್ ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತಾವನೆ ಫೀಲು, ಅಯ್ಯೋ ಕೈಗೆ ಕೈ ತಾಕಿ ಮೈಗೆ ಮೈ ಸಾಕಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಶಾಕು, ಆಗುತ್ತಾವನೆ ಕ್ರ್ಯಾಕು, ಲವ್ ಅನ್ನು ಪೂಲಿನಲ್ಲಿ ಈಜು ಬರದ ಹುಡುಗ ಬಿದ್ರೆ ದೇವ್ರೇ ಗತಿ, ದೇವ್ರೇ ಗತಿ।
ಬಂತು ಇಂತು ಲವಲ್ ಬಿದ್ದು ಹಾಳಾಗೋದ ಇವಳೆ ನನ್ನ ಏಂಜಲ್ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದ ಇವಳ ಸ್ಮೈಲ್ಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಬಿಟ್ಟ ಬಯ್ಯ ಮಾಟ ನೋಡಿ ಕೆಟ್ಟ ಲವ್ ಜರ್ನಿ ಮಾಡು ತಾನೆ ಬೇಕು ಫೇಲು ಆಗಿ ಬಿಟ್ರೆ नमस्ते भाई, घर के लिए एक फोन लगाना है, अपना फोन दोगे क्या? ये लीजिए। थैंक्स। हेलो। हेलो माँ, मैं संजय बोल रहा हूँ। संजू, कहाँ हो तुम? इंस्पेक्टर आए थे, कुछ तो बोल रहे थे, मुझे डर लग रहा है। संजू कैसे हो तुम? माँ मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। ठीक है बेटा, तुम्हारे पिताजी इंस्पेक्टर हरिश्चंद्र के साथ हैं, उनका नंबर देती हूँ, उन्हें कॉल कर लेना बेटा। ठीक है माँ। एक पेन देना यार। सर थोड़ा पेन देंगे सर? एक सेकंड। माँ बोलो माँ। 9845-985-110। ओके। ए नंबर देखा 985। हेलो सर। हेलो, मैं संजय बात कर रहा हूँ, एमएलए हरिश्चंद्र का बेटा। ओ संजय यार, किधर हो आप? आपके पिताजी इधर हैं, बात कीजिए। हाँ बात करो। हेलो संजय। डैडी संजय। तुम किधर मत जाना, उधर ही ठहरा हूँ मैं और रविशंकर, उधर ही आ रहे हैं। हाँ ठीक है। संजय। डैडी। संजय। डैडी सुना था आपका किसी ने किडनैप कर लिया था। अरे बाप रे, वो बहुत बड़ी कहानी है, बाद में बोलता हूँ। आपको और आपके पिताजी को जिसने किडनैप किया है वो मोस्ट वांटेड जंगली क्रिमिनल है। सर हमको तो किसी ने भी किडनैप नहीं किया। बताता हूँ, मधु जाकर फोटो लेकर आओ। सर इसका नाम है रेवती, हमने इसी को ड्रॉप किया था। इसका नाम रेवती नहीं है, हर दिन एक नए गांव को चूना लगाती है। उस जंगली गैंग में रहने वाली एक बड़ी मास्टरमाइंड लड़की है। वो जंगली जो इलीगल काम करता है उसका प्लानिंग यही करती है, किसी को भी जरा सा शक हुए बिना काम करती है। वेरी स्मार्ट गर्ल। इसका मतलब उसको पकड़ना नामुमकिन है, ऐसा बोल रहे हो? हमारा डिपार्टमेंट से ढूंढने के लिए ट्राई कर रहे हैं, इसलिए किसी भी गांव में ये परमानेंट नहीं रहती है, और रही तो भी वो एक क्लू नहीं छोड़ती है। उसके एक सबूत के लिए हम इंतजार में, अगर मिल गया तो। अरे यार उस दिन तुमको उसने प्रपोज किया था ना, तू उसने माना नहीं था, इसलिए मैंने याद है कॉलेज वाला GPRS प्रोजेक्ट उसके बैग के अंदर डाल दिया था। अब वो जहां जहां जाएगी ना उसे लेके हमें पता चलेगा। सुपर है यार। संजू अब वो जहाँ भी होगी हमको मिल जाएगी। सुपर यार। सर आपके पास लैपटॉप या नोटबुक कुछ भी है? नोटबुक है, ओके है क्या? दीजिए ना सर। मधु लेकर आओ।
अरे संजू, हाँ संजू, wait. Yes, सर, exactly वो इसी लोकेशन पर है. वेरी गुड संजय, उनका आप कोई भी मसीहा अब उन्हें बचा नहीं सकते. नहीं सर, आप उन्हें छोड़े ना छोड़े लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा. संजू, देखो वो बहुत गुस्सैल आदमी है, वहाँ जाकर क्या करेगा कोई नहीं जानता. चलो चलते हैं. एक मिनट सर. सतीश, किधर हो तुम लोग? रिपोर्ट बना रहा हूँ. अरे रिपोर्ट कब तक करोगे? जल्दी से गाड़ी भेजो. ओके, टू मिनट सर, टू मिनट्स में गाड़ी आ रही है, आ जाएगी सर. हेलो माता जी. हेलो जंगली, हाउ आर यू? कैसे हो? आई एम फाइन. हाय. माल दिखाओ जंगली. लो चेक कर लो. भाई माल तो तेरा चुका है, क्या कीमत लगाते हो? आप तो खुद ही जौहरी हो, हीरो की कीमत जानते हो, आप खुद ही बताओ. चल भाई माल दे दे. ए, तुम लोग का बहुत नाटक हो रहा है आजकल, ये सब माल की वजह से है ना? ए गुल्लू, गाड़ी साइड में करो. ए रेवती, ये क्या है? साइड में करो, तुम लोग उतर जाओ, चलो निकलो. मूव मूव, चलो चलो चलो, कम ऑन, मूव ऑन, जल्दी चलो. अरे तुम पागल हो गए हो क्या? पागल मैं नहीं हूँ, वो जंगली हो गया है. 24 घंटे पैसा पैसा करते करते मरता रहता है. मतलब तुम सब मुझे उठाने के लिए स्केच बना के रखे हो. इस माल की वजह से ना, तुम सबको मैंने उठाया, फिर ये मूर्ति मेरी बन जाएगी. तो देख लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. नहीं रेवती, नहीं रेवती, मेरी बात को सुनो. अगर बॉस को इस बारे में पता चला तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे. अरे ये जिंदगी एकदम गिरगिट की जैसी होती है, जैसा भेस वैसा ही रंग बदल दो. क्या बोलते हो? ए कंट्री, ये पागल हो गई है समझा क्या? कुछ भी बोल रही है. अबे नल्ले, हर एक कुत्ते को एक ना एक दिन दिमाग आ ही जाता है, वो आज मुझे आ गया है. नहीं रेवती मत करो, मेरी बात को सुनो, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो. हम आज जो काम कर रहे हैं वो कोई अच्छा काम नहीं है. अगर उसी रीति को सोचा गया तो आप लोग के साथ जो करने वाली हूँ वो सही नहीं है. लेकिन बुरे लोगों के साथ बुरा करने से बुरा किए बिना अच्छा किया हुआ भी बुरा बन जाता है. इसी मूर्ति की वजह से हमारे बंटी को हमारे सामने ही मार दिया गया, तो क्या वो जंगली हमें छोड़ेगा यहाँ पर?
और ऐसे कितने दिन हम भीख मांगकर खाते रहेंगे? हाँ, हमें भी फ्रेश खाना खाने का दिल करेगा ना। कुछ भी हो जाए, नमक और तीखा खाने का शरीर है ये। मतलब तुम्हारे कहने का मतलब? देखो, इस मूर्ति का हम डील खुद ही कर लेंगे, आगे से हमारी किस्मत खुल जाएगी। और वो कैसे? अरे वो जाते जाते बोलती हूँ, चलो। तुम साले सब हराम खोरो, ये तो मैं जानता था, लेकिन हराम खोरो मेरे साथ हराम खोरी करोगे नहीं पता था। अब पता चल गया ना। अबे शेर जंगल में रहने वाले जानवर का ही शिकार करते हैं। भेष बदलने वाली भेड़ियों के साथ नहीं। बहुत दिन से हमारे साथ था बंटी, उसे भी तुमने छोड़ा नहीं अभी है? अभी हमें छोड़ोगे क्या? जो भी तुम्हारे साथ डील करने आता है, तुम डील करने के बाद उसे जिंदा नहीं छोड़ते हो। उसी वजह से आज हम तुझे उसी जगह भेजने वाले हैं, ताकि तुम दोबारा ऐसा ना कर पाओ। नहीं नहीं रेवती, तुम गलत कर रही हो। नहीं गलत है। अब हमें यहाँ रुकना नहीं चाहिए, जितनी जल्दी हो सके इस जगह को खाली कर दो। तू मुझे मारने आया था ना? मार, मारना। ए, मारना। इतनी ताकत तेरे में, इतनी ताकत है? तू मुझे मारे, मुझे मारे, मुझे मारे। किधर है वो? अरे ये क्या है? काल चक्र बोला तो यही है यार। पहले वो तुम्हारी तरफ घूम रहा था, अब ये हमारी तरफ घूम रहा है। देखा क्या? तुमने जो रास्ता हम लोगों को दिखाया है, हम भी उसी पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, समझी क्या? लेकिन तुम नहीं आ रही हो साथ। आ जाओ आ जाओ, तुमने ये सब क्यों किया हम जानते हैं, समझी? उसके बेटे के खातिर है ना? यहाँ से बाहर निकल गए तो तुम हम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ोगी, समझते हैं हम सब? हमें अगर जीना होगा तो तुम्हारी बलि चढ़ानी होगी। और कितने लोगों को धोखा देने वाले? एक काम करो, मुझे भी मार दो। ये लो। मैं इस मूर्ति को सरकार के हवाले करके प्यार से अपनी जिंदगी काटना चाहती थी और कुछ नहीं। जिसके माँ बाप नहीं है, ऐसी रहने वाली मुझ जैसी लड़की को प्यार करने का एहसास दिलाया, कुछ भी करके फिर से तुमसे मिलना चाहती थी। मैं कौन हूँ इसका पता चल जाने के बाद तुम मेरे प्यार को मानोगे या नहीं, इस बात को जानने के लिए नेक्स्ट टाइम मिलती हूँ ऐसा बोलकर गई थी। अभी मेरे प्यार को तुम स्वीकार कर लोगे क्या? अगर प्यार को प्यार के तरीके से किया जाए ना, तो किसी से भी हो सकता है। मैं तुम्हें अब भी पसंद करता हूँ रेवती। आई लव यू रेवती। आई लव यू टू। तुमने मेरे खातिर इतना बड़ा रिस्क लिया, इंसानियत क्या है वो तुमने सिखा दिया मुझे। ये सब जरूरी नहीं है रेवती। हे भगवान, इस जन्म में नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अगले जन्म में पाना चाहती हूँ, मुझे माफ कर देना। रेवती, रेवती! ದೇವರ ನಿನಗೆ ಮನಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲವ, ಇವರ ಮುಗ್ಧ ಪ್ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲರ ಕಾಯೋನು ನೀನೇ ಅಲ್ಲವ, ಇವರ ಮೇಲೆ ಚೂರೋ
कंग्रेचुलेशंस, अब वो बिल्कुल ठीक है, चिंता मत करो, तुम जाकर देख सकते हो। मुझे बचा ही लिया है ना संजय। रेवती, जैसे बिना धड़कन के दिल काम नहीं करता, ऐसे तुम्हारे बिना मेरा जीना मुश्किल है रेवती। I love you संजय। रेवती, तुमने जो गलत काम किया है उसके लिए सजा क्या है? तुम्हें हमारे संजू से शादी करना ही सजा है।